हेलो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट लीव्स, रूट्स एंड स्पोर्ट्स। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द लीव्स। सम लीव्स लाइक ब्रायोफाइलम हैव बड लाइक स्ट्रक्चर्स। दीज ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन दे गेट फेवरेबल कंडीशंस। इसमें क्या बताया गया कि सम ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी ना तो हम सीड लगाते हैं ना ही रूट्स लगाते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ लीव्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं। और इसमें उन्होंने क्या बता दिया, ब्रायोफाइलम प्लांट। आप देख रहे हो डायग्राम में, देख सकते हो कि ये इसका हम क्या करेंगे, लीव लगा देंगे। दीज ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन दे गेट फेवरेबल कंडीशन। जब हम सोइल में इसका लीव लगा देंगे तो इसको जब फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी, प्रॉपर कंडीशंस इसको मिल जाएंगी, तो ये विद द हेल्प ऑफ लीव्स ये प्लांट जो है वो न्यू प्लांट की फॉर्म में ग्रो कर जाएगा। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रूट्स। सम प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रूट्स की हेल्प से ग्रो करते हैं। कैरेट एंड स्वीट पोटैटो कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स। इसमें किसकी एग्जांपल दी गई है, स्वीट पोटैटो की एंड कैरेट की। इन ये दोनों प्लांट्स जो है विद द हेल्प ऑफ रूट्स जो है विद द हेल्प ऑफ रूट्स ग्रो करते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये कैरेट है और इस जहाँ इसका प्लांट जो है हमें दिखाई दे रहा है, ये इसकी रूट्स हैं और जहाँ पे ये प्लांट बन गया है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्पोर्ट्स। सम प्लांट्स लाइक फर्न एंड फंगी डू नॉट बियर फ्लावर्स। दे प्रोड्यूस देयर स्पोर्ट्स ईच ऑफ विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। इसमें उन्होंने टू प्लांट्स की एग्जाम्पल दे दी है। जैसे आप देख रहे हो ये क्या फर्न और ये क्या है फंगी। ये दोनों प्लांट्स के ना तो फ्लावर होता है और ये विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स ग्रो करते हैं। स्पोर्स होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट, जो वन सेल्ड होता है, ये इनके स्पोर्स हैं जिनको हम बीजाणु बोल देंगे। और दे प्रोड्यूस दे स्पोर्स ईच ऑफ विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। इनके हम स्पोर्स लगा देंगे और विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स ये न्यू प्लांट की फॉर्म में ग्रो कर जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।